बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है महासागरीय जल संचलन, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय जल धाराएं। बच्चों, ये जल धाराएं क्या होती है? आप नासा के इस चित्र को देखिए, साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि जल धाराएं क्या है। जल धाराएं, जैसा कि धरातल पर नदियाँ बहती है, ठीक उसी प्रकार से महासागरों में एक निश्चित दिशा और निश्चित गति, निश्चित स्थान पर कुछ जलधाराएं प्रवाहित होती रहती है। ये जलधाराएं सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है और इसे ही हम जलधारा कहते हैं। ये जलधाराएं महासागरों में दो प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है, एक ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, जबकि गर्म जलधारा जो है ये शून्य अंश अक्षांश यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर से प्रारंभ होकर के ये विभिन्न दिशाओं की ओर जाती है। जलधाराओं के दो और प्रकार बताए गए हैं, एक सतह पर बहने वाली जलधारा और दूसरा आंतरिक क्षेत्र में बहने वाली जलधारा। सतह पर जो जलधाराएं बहती हैं, ये केवल 10% हिस्सा ही जलधाराओं का सतह के ऊपर प्रवाहित होता दिखाई देता है, लेकिन 90% हिस्सा जो है यह भीतर ही भीतर प्रवाहित होती है। और ये जो भीतर की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा है, ये धरातल में जो सागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये संतुलन का कार्य करती है। एक तो जल संतुलन का कार्य करती है और दूसरा क्षैतिजिक ऊष्मा संतुलन का कार्य भी ये सरफेस की या भीतर की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं करती है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई और वो विभिन्न दिशाओं की ओर कैसे प्रवाहित होती है, इस संबंध में कुछ तत्व, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ये धाराओं को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण संबंधित क्रियाएं। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो परिभ्रमण हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व निरंतर घूमती है। पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण जल सामान्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जल का प्रभाव है, यह प्रभाव पृथ्वी के परिभ्रमण गति के विपरीत वायुदाब की पेटियों के कारण जल का प्रभाव जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। सामान्य रूप से ये जो प्रभाव है, ये भूमध्य रेखा के पास यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और ये जो व्यापारिक हवाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, और ये व्यापारिक हवाएं सामान्य रूप से कोरियालिस बल से प्रभावित होकर के भूमध्य रेखा से जो उत्तर की ओर हवाएं हैं ये अपने दाहिनी ओर और दक्षिण की हवाएं बाईं ओर मुड़ती है। ठीक इसी प्रकार से इससे प्रभावित होकर के जो जलधाराएं चल रही हैं ये भूमध्य रेखा से उत्तर में दाहिनी ओर और दक्षिण में बाईं ओर मुड़ जाती है। दूसरा जो तत्व है ये है महासागरों से संबंधित तत्व। महासागरों में हमने तीन विशेषताओं का अध्ययन किया था, एक महासागरों में तापमान में भिन्नताएं हैं। तापमान में भिन्नता के कारण जब उच्च तापमान वाले क्षेत्र से जलधाराएं प्रवाहित होती है तो ये निम्न तापमान वाले क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है।
और इस प्रकार से यहाँ का जल यदि निम्न तापमान के क्षेत्र यानी ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वहाँ का जल नीचे ही नीचे प्रवाहित होकर के पुनः निम्न अक्षांश यानी भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है और इस प्रकार से जल में संतुलन बन जाता है और तापमान जो है उच्च अक्षांश से ठंडी जलधाराएं आती है और निम्न अक्षांशों से गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशों की ओर जाती है। दूसरा जो है घनत्व, जिन क्षेत्रों में घनत्व अधिक होता है वहाँ पर पानी नीचे की ओर बैठने लगता है और अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की ओर बैठता है और यहाँ से जो जलधाराएं हैं कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर प्रवाहित होती, जबकि अधिक घनत्व का पानी जो है वो कम घनत्व की ओर आता है। इसी प्रकार से तीसरा जो है लवणता में भिन्नता। बच्चों ये भी आपको बताया गया है कि महासागरों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लवण पाए जाते हैं, लवणता की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो लवणता की मात्रा में भिन्नता से कम लवणता वाली जो जलधाराएं हैं वो अधिक लवणता की ओर जाती है और उसके संतुलन में अधिक लवणता वाली जलधाराएं कम लवणता की ओर आती है। तो इस प्रकार से तापमान, घनत्व और लवणता, ये तीनों कारक जो है महासागरीय जल की धाराओं के माध्यम से जल को संतुलित करते हैं। इसके बाद कुछ महासागरीय कारकों के बाहर के कारक भी जलधाराओं को उत्पन्न करने या इनको दिशा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसमें हैं वायुदाब और हवाएं। वायुदाब और हवाएं, जैसा अभी बताया कि भूमध्य रेखा के पास में व्यापारिक हवाएं चलती है, जबकि यहाँ से हम कुछ उत्तर या दक्षिण की ओर यानी मध्य अक्षांशों में जाते हैं तो यहाँ पर पछुआ हवाएं चलती हैं और ध्रुवों के पास ध्रुवीय हवाओं का प्रभाव है। तो भूमध्य रेखा के पास से जो जलधाराएं उत्पन्न होती है यह व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और जैसे ही यह 30 से 35 अंश या 40 अंश के पास जाती तो पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये जलधाराएं पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो ये हवाओं का प्रभाव है। इसी प्रकार से जल का वाष्पीकरण और वर्षा यह भी प्रभावित कर रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते जहां पर वाष्पीकरण कम है लेकिन वर्षा अधिक है, वहां पर जल की मात्रा अधिक होती है और उस क्षेत्र में अधिक जल से कम जल की ओर जलधाराओं के रूप में जल का संचरण होता है। जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है उस क्षेत्र से जो जलधाराएं हैं ये कम जल की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कारक, इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी है जिसमें समुद्र तट की दिशा और उसका आकार। जहाँ पर समुद्र तट सामने में आता है जलधाराएं उस तट से टकरा करके उसके किनारे किनारे बहने लगती है और जहाँ पर आंतरिक सागर है जलधाराओं का एक हिस्सा आंतरिक सागर में भी घूमता है और फिर तटों के सहारे आगे की ओर बढ़ता है। तो तटों का आकार जैसा होगा जलधाराएं उसका अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है। दूसरा जो है महासागर के तली की स्थलाकृतियाँ। महासागर के तली का भी आपने अध्ययन किया है, आप जानते हैं बच्चों की तली में बहुत से शिखर नुमा आकृति है। इन शिखरों से टकरा करके जलधाराएं कभी कभी अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। तो ये भी तली आकृति में
स्पष्ट होता है। इसके बाद मौसम संबंधी यदि परिवर्तन आते हैं तो इन मौसम संबंधी परिवर्तनों के कारण भी जलधाराओं में अल्प प्रवाह होता है। तो ये तो जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हुए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जल की गति को नापने की जो इकाई है इसको नॉट से नापा जाता है। सामान्य रूप से जो जलधाराओं की गति है ये 5 नॉट प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसको नापा जाता है, लेकिन बहुत गहराई में जाने के बाद जलधाराओं की जो गति है ये 0.5 नॉट प्रति किलोमीटर की स्पीड से प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से जलधाराओं की गति को भी हम नाप सकते हैं। बच्चों, ये तो जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हुए। आइए हम जो प्रमुख महासागर हैं विश्व के, इनकी जलधाराओं का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। बच्चों, आपने अंध महासागर को पहले से ही देखा है, एक बार और देख लीजिए। इसके पूर्व में एक तरफ यूरोप महाद्वीप और नीचे में अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। इसके बीच में ये जो महासागर है, यहाँ पर जो जलधाराएं चल रही है, इन जलधाराओं को अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के पास ये जो जलधाराएं प्रवाहित हो रही है। जैसा मैंने अभी बताया था कि व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है और उसके कारण ये अफ्रीका महाद्वीप के पास ये जलधाराएं उत्पन्न होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इसे हम विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में जो एरो दिखाई दे रहा है इसमें आप हाईलाइट में आप देख सकते हैं कि ये जलधाराएं कैसे प्रवाहित हो रही हैं। ये जलधाराएं जब अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है तो इस प्रकार ये गर्म जलधारा होती है। यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर चलने वाली जलधाराओं को उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहलाती है। ये जलधाराएं जब आगे की ओर आती है तो यहाँ पर आप देखिए इसके पश्चिमी तट में अर्थात दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है इस तट से टकराकर ये जलधारा जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मुड़ने पर ये जलधारा 2 भागों में बट जाती है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं द्वीप समूह। एक जलधारा इस द्वीप समूह के पूर्व से बहती है और एक जलधारा इस द्वीप समूह के पश्चिम से बह रही है। पूर्व से बहने वाली ये जो जलधारा है इसे एंटिलीज की जलधारा कहते हैं, जबकि पश्चिम से बढ़ने वाली ये जलधारा है ये कैरिबियन जलधारा कहलाती है। ये कैरिबियन जलधारा जो है ये कैरिबियन से युकाटन तक जा रही है और यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी के भीतर चली जा रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के कारण इसे यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का नाम दिया गया है। यही जलधारा आगे चल करके गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है। ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के पुनः यहाँ पर 2 हिस्से हो गए हैं, 2 पार्ट में ये बाइफरकेट होती है। एक जलधारा जो है ये फ्लोरिडा तक चली जा रही है।
जबकि दूसरी जलधारा जो है यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। जो जलधारा फ्लोरिडा की तरफ जा रही है, यहाँ पर देखिए तापमान भूमध्य रेखा के पास इसका तापमान अधिक था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर की तरफ जा रही है फ्लोरिडा के पास इसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और यहाँ पर जो लवणता है ये लगभग 37% रहती है। इसकी दूसरी जलधारा गल्फ स्ट्रीम की ही धारा कहला रही है, और यह जलधारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कनाडा के पास में एक द्वीप है न्यूफाउंडलैंड, इस द्वीप तक ये आती है। यहाँ पर सेंट लॉरेंस का जो तट है, इस तट के पास में जो ग्रैंड बैंक है, यहाँ तक यह जलधारा प्रवाहित हो रही है। इसी जलधारा का एक और हिस्सा जो है ये लगभग 40 अंश अक्षांश के पास ये जलधारा जो है यह पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसका कारण क्या है? पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेल दी जा रही है लगभग 40 अंश अक्षांश के पास, और यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे की ओर बढ़ने के बाद ये जलधाराएं मुख्य रूप से दो भागों में फिर से बट रही है। ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये पूर्व की ओर जा रही है, तो इससे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना गया। अब ये गल्फ स्ट्रीम नहीं कही गई, बल्कि गल्फ स्ट्रीम से जब ये पूर्व की ओर गई तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसे कहा गया है। यह जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है इसकी पुनः दो शाखाएं होती है। एक शाखा आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड की तरफ मुड़ गई है, जबकि दूसरी जो शाखा है ये आइसलैंड से नॉर्वे स्वीडन की तरफ चली गई है। इसकी जो तीसरी शाखा है यह स्पेन और ओजार्स के तट को होती हुई अफ्रीका तट की ओर मुड़ जाती है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम की एक और शाखा जो है ये लगभग 40 अंश से घूम करके पुनः महासागर में नीचे की ओर आती है, और नीचे की ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भंवर जैसी स्थिति निर्मित कर रही है। ये जो भंवर जैसी स्थिति है इसका विस्तार यदि हम देखें तो 20 अंश से 40 अंश उत्तर की तरफ है, जबकि 35 अंश से 75 अंश यह पश्चिम में स्थित है। और इस स्थिति में यहाँ पर एक भंवर जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, इसे सार्गेसो सागर के नाम से, सार्गेसो सी कहते हैं, इस नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जल भंवर के बीच में जल एकदम शांत होता है, और इस क्षेत्र में जो लवणता है लगभग 37% है, और इस भूभाग में तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की घासें उग जाती है, और ये जो घास है इसको प्लैंकटन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लैंकटन घास है यहाँ पर मछलियों का ये प्रिय भोजन है, और इसलिए यहाँ पर बहुतायत से मछलियाँ पाई जाती है। तो ये सार्गेसो सागर जो है ये पूरे विश्व में इस प्रकार की जो स्थिति है एकमात्र यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में ही बनती है। अन्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनती लेकिन उसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। एक अन्य जलधारा जो उत्तर से आ रही है, लेकिन यह जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये भीतर ही भीतर आ करके ये जलधारा अफ्रीका के पास में कनारी के पास ये जलधारा ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है इस तट के किनारे में ये जलधारा कनारी की ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। यह जलधारा अचानक वहाँ से आ रही है क्योंकि ऐसा
समझा जा सकता है कि जब विषुवत रेखीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर जारी, तो वहाँ के जल में जो कमी आती, उस कमी को की पूर्ति करने के लिए ये जो कनारी की जलधारा जो भीतर ही भीतर से आ रही यहाँ पर आकर के ये प्रकट होती है, और उसके कारण अफ्रीका का जो तट है, पश्चिमी तट, ये तट कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि ठंडी जलधाराओं का प्रभाव है और यहाँ पर वर्षा का अभाव देखने को मिलता है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और जलधारा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर आ रही है। ये जलधारा जो है ये लैब्राडोर की जलधारा कहलाती है, जो बैफिन की खाड़ी से दक्षिण की ओर आ रही है, और दक्षिण की ओर आने के बाद ये सेंट लॉरेंस तक प्रवाहित होती है। सेंट लॉरेंस के पास में ये जो न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र है, या मैंने अभी जो ग्रैंड बैंक का उल्लेख किया था, यहाँ पर नीचे से जाने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और ऊपर से आने वाली लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, इन दोनों जलधाराओं के प्रभाव से इस क्षेत्र में घना कोहरा उत्पन्न होता है, और ये कोहरा इतना अधिक सघन होता है कि ठंडी जलधाराओं के साथ बहुत से हिमपिंड भी आते हैं, और ये जो हिमपिंड होते, जो आइसबर्ग होते हैं, ये चूँकि कोहरे के कारण दिखाई नहीं पड़ते, और कई बार जलयान जो है इनसे टकरा जाते हैं, और इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है। बच्चों, आपने सुना होगा टाइटैनिक की जो दुर्घटना हुई थी वो इसी कोहरे के कारण, जब टाइटैनिक लंदन से निकला था तो यहाँ पर इन जलधाराओं के प्रभाव के कारण जो कोहरा पड़ा था उसके कारण एक विशाल हिमपिंड से टकराकर ये जहाज़ नष्ट हो गया था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये जलधाराओं के, दो गर्म और ठंडी जलधाराओं के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न कोहरे के कारण होती है। जब ये दो जलधाराएं आपस में मिलती है तो इस क्षेत्र में मछलियां भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहां पर जैसे अभी ग्रैंड बैंक का उल्लेख किया, इसी प्रकार से लंदन के पास में जो डागर बैंक है, ये सभी मछली उद्योग के लिए बहुत विकसित है। ये पूरा बेल्ट जो है यहां पर बहुत सारे बैंक का तात्पर्य क्या है, महासागरी चबूतरे जो ऊपर उठ जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी घासें उग जाती है जो मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करती है, और इन जलधाराओं से इसकी जलवायु जो है बहुत उत्तम होती है, और उसके कारण इस क्षेत्र में मछलियों का उद्योग भी काफ़ी विकसित होता है। इसी प्रकार से जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये प्रवाह गल्फ स्ट्रीम जलधारा का ही एक हिस्सा है, लेकिन इतने आगे बढ़ते बढ़ते इसके तापमान और लवणता में कुछ कमी आ जाती है, किंतु फिर भी इसका जो गर्म प्रभाव है ये बना रहता है, और इसके प्रभाव के कारण ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यानी ये जो इंग्लिश चैनल तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापार की प्रक्रिया वर्ष भर जारी है। ये केवल गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव, जबकि इसी अक्षांश पे यदि हम अमेरिका में देखें तो यहाँ पर ठंडी जलवायु के कारण बर्फ जम जाती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम जलधाराओं का प्रभाव है। ये तो बच्चों आपने अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी हिस्सा था उसके जलधाराओं का अध्ययन किया, अब आइए हम दक्षिण में भी आए। तो विषुवत रेखा के पास एक और जलधारा प्रवाहित हो रही है जिसे हमने दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहा है। यह जलधारा भी पूर्व से यह बह रही है, और
ये जब ब्राज़ील के तट से टकराती है तो ये दक्षिण की तरफ, ब्राज़ील तट के सहारे सहारे ये दक्षिण की तरफ घूम जाती है और उसके कारण ब्राज़ील का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है। दक्षिण में नीचे से यानी ध्रुवों के पास से आने वाली जो जलधाराएं हैं ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है यहाँ से एक जलधारा प्रवाहित हो रही दक्षिण में, ये है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। इसका एक हिस्सा फॉकलैंड तक जाता है जबकि यहाँ से पछुआ हवाओं के प्रभाव से यह धारा पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर चली जा रही है और इस प्रवाह को हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। यह प्रवाह दक्षिण की ओर बहते हुए अफ्रीका के तट की ओर आता है और यहाँ पर यह बेंगुला की धारा के नाम से प्रवाहित होता है और यह बेंगुला की जलधारा जो है ये पुनः आकर के दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। बच्चों, दक्षिण में ये चार जलधाराओं का एक चक्र चलते रहता है लेकिन एक उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है और एक दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ढाल प्रवणता जो है ये पूर्व की ओर बन जाती है और इसलिए इन जलधाराओं का कुछ हिस्सा जो भूमध्य रेखा के पास है यहाँ पर अत्यधिक ढाल के कारण यहाँ पर कुछ जल पूर्व की ओर यानी विपरीत जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है। इसे हम प्रति विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं।